नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। अमेरिका ने एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने उसके अधिकारियों को धमकी दी है। उसने अमेरिकी अधिकारियों को भारत चीन रिश्तों पर कुछ न कहने की चेतावनी दी है। पेंटागन के रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के साथ बॉर्डर पर भी टेंशन कम करना चाहता है। इसके पीछे चीन का मकसद साफ समझ आता है। वहीं चीन नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ें। चीन की आशंका है कि अगर भारत और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ी तो हो सकता है कि भारत चीन के साथ अपने रिश्तों में कटौती कर दे। ऐसा हुआ तो चीन के ट्रेड पर सबसे ज्यादा असर होगा। दरअसल भारत चीन बॉर्डर का जिक्र करते हुए पेंटागन ने एक रिपोर्ट में लिखा था कि 2022 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई। इसके बावजूद चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सैनिकों की तैनाती की। वो अब भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य स्तर की बातचीत हुई है, पर इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। अप्रैल मई 2020 में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं भी हुई थी। भारत सरकार ने इसी इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहे डीवी न्यूज में।